हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सुरिंदर कौर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल साइंस में। दोस्तों, आज मैं आपको प्लैनेट की प्रोग्रेशन के बारे में बताने लगी हूँ कि BNN में हम लोग प्रोग्रेशन किस तरीके से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेशन किसकी प्रोग्रेशन बताऊँगी दोस्तों मैं आज आपको, शनि की। तो किस तरीके से दोस्तों आपने प्रोग्रेशन देखनी है शनि की। शनि की एज को आप 30 साल मानिएगा, ठीक है दोस्तों। वो बाकी का हम लोग क्लास में क्लियर करते हैं, एक सिर्फ एक आइडिया लेकर चलिएगा, 30 साल मानिएगा शनि को आप, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मार्गी शनि की बात करेंगे, मार्गी, ठीक है दोस्तों। मार्गी शनि की बात कर रही हूँ जो अभी रेट्रो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से आपने देखना है, आपके पास एक चार्ट आया दोस्तों, कोई सा भी चार्ट आ गया आपके पास दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है सेवन्थ में, सेवन साइन में शनि उच्च का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर किस चीज़ के रिजल्ट देगा शनि आपको, पहले 30 साल यहाँ के रिजल्ट देगा दोस्तों, यहाँ के रिजल्ट देगा। प्लस शनि कितना 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 समय रहता है एक हाउस के अंदर, 2.5 साल। इसी तरीके से ढाई ढाई साल अपना वो सारा ये चक्कर पूरा कर देगा अपना, ठीक है दोस्तों, सारा अपना पूरा कर देगा। उसके बाद किसी का अगर सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ था, उसके बाद उसको एट्थ हाउस के रिजल्ट आने लग जाएंगे दोस्तों। कब, 30 से 60 की उम्र में उसको आठवें घर के रिजल्ट आएंगे। फिर इसी तरीके से ढाई ढाई साल सारे घरों में घूमेगा दोस्तों, वो इसी तरीके से वो काम करेगा प्रोग्रेशन में, शनि इस तरीके से आपका काम करेगा। अब इस तरीके से आ जाओ दोस्तों वक्री पर, एग्जाम्पल यही वक्री है हम लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो अब ये शनि वक्री हो गया हम लोगों का, तो पहले ये कहाँ पर रिजल्ट देगा दोस्तों, पहले 30 साल अपने से 12वें घर के रिजल्ट देगा, ठीक है दोस्तों, अपने से 12वें घर के रिजल्ट देगा। फिर अगले 30 से 60 अपने यहाँ के रिजल्ट देगा, और वही 2.5 साल, पहले 2.5 साल यहाँ के रिजल्ट, इस हाउस के रिजल्ट, फिर अगले 2.5 साल यहाँ के रिजल्ट, फिर अगले 2.5 साल यहाँ के रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जब भी शनि वक्री होता है तो कह दिया जाता है 36 के बाद तरक्की मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब यहाँ पर शनि आ गया, तो कहाँ पर स्ट्रगल बढ़ गया दोस्तों, जॉब में, ठीक है दोस्तों। अगर कोई साइन दूसरा बैठ गया तो दिक्कत आ गई उसको। प्रोग्रेशन में दोस्तों आपने क्या ध्यान रखना है, यदि आपका कुंडली में शनि मार्गी है तो पहले 30 साल जहाँ पर बैठा है वहाँ का रिजल्ट देगा, फिर आगे के रिजल्ट देगा। अगर वक्री है तो पहले 30 साल अपने से 12वें के रिजल्ट देगा, फिर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लैनेट अगर वक्री होता है तो पहले वो अपना वक्री के रिजल्ट देगा, उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट हो जाता है तो उन घरों के रिजल्ट देने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रोग्रेशन का मतलब है दोस्तों। अगर जो BNN कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये जानकारी वाली वीडियो होगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लगा कर देखिएगा, पहले 30 साल आपको कौन से हाउस के रिजल्ट आ रहे हैं, और ढाई ढाई साल आप घुमाते चलिएगा, तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 30 साल तक यहाँ पर रहा, तो 31, 32, 32.5 साल तक आपको इस हाउस के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर आगे लगाते चलिएगा हिसाब आप लोग, कब तक आपको इस हाउस के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। ढाई ढाई साल आपने आगे निकालते जाना है इस तरीके से दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, 2 मई से हम लोगों का एक्टिवेशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और हमारा एस्ट्रो वास्तु का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज रात 10 बजे से हमारी KP एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।